आज बात उस नेता की जिसने कई पार्टियों को बदला, लेकिन अपनी सियासत अपने अंदाज में की। ना रुख बदला, ना स्टाइल, ना सियासत। प्रदेश की जनता उनको राजा साहब कहते हैं और कहते हैं कि इनके मूछों पर ताव लगाने से ही इनके स्वभाव का अंदाजा लग जाता है। हम बात कर रहे हैं विश्वेंद्र सिंह की। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के महाराजा सूरजमल के वंशज हैं। विश्वेंद्र सिंह अभी तक कांग्रेस, भाजपा और जनता दल तक की सियासी सवारी कर चुके हैं। विश्वेंद्र जब 25 साल के थे तब राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। 1988 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरतपुर के जिला प्रमुख बन गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक साल तक भी विश्वेंद्र सिंह को रास नहीं आई। एक साल बाद ही जनता दल का झंडा थाम लिया। उस समय जनता दल की लहर थी। 1990 का लोकसभा चुनाव जनता दल से लड़ा और जीत कर संसद पहुंच गए। इसके बाद फिर से जनता दल छोड़ फिर से कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। 1993 में नदबई विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार कांग्रेस रास नहीं आई और कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। लगातार 1999 और 2004 का लोकसभा चुनाव भाजपा की टिकट से लड़े और जीते भी। 2009 का लोकसभा चुनाव भी भरतपुर से विश्वेंद्र सिंह लड़ना चाहते थे, सीट आरक्षित हो गई। दो चुनाव भाजपा से लड़ने के बाद विश्वेंद्र सिंह फिर से भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी की झोली में जा बैठे और 2008 में कांग्रेस पार्टी की टिकट से डीग कुम्हेर विधानसभा सीट से ताल ठोक दी। मुकाबला भाजपा के दिगंबर सिंह से हुआ, लेकिन ये चुनाव विश्वेंद्र सिंह भाजपा से करीब 3000 वोटों के अंतर से हार गए। इससे राजा साहब को झटका लगा और कहते हैं कि इस हार ने राजा साहब को अर्श से फर्श पर ला दिया। इसके बाद वो समझ गए कि जनता का वोट पाने के लिए जनता के बीच में ही रहना पड़ता है। 2013 विधानसभा चुनाव में डीग कुम्हेर विधानसभा सीट से विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस ने फिर से उम्मीदवार बनाया और मुकाबला फिर से 2008 की तरह भाजपा के दिगंबर सिंह से हुआ। देश में मोदी लहर होने के बावजूद विश्वेंद्र सिंह ये चुनाव करीब 11,000 वोटों के अंतर से जीत राजस्थान विधानसभा पहुंच गए। 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव में विश्वेंद्र सिंह का मुकाबला इस बार दिगंबर के बेटे शैलेश सिंह से हुआ और ये चुनाव भी विश्वेंद्र सिंह करीब 8,000 वोटों के अंतर से जीतकर राजस्थान विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद मानेसर कांड में वो सचिन पायलट के साथ रहे, लेकिन वापस आने के बाद उनको पर्यटन मंत्री बनाया गया, लेकिन विश्वेंद्र सिंह के वारिस के तौर पर अनिरुद्ध अपने ही पिता से जुदा राह पर चलते हैं। लेकिन राजा साहब की सियासत कभी किसी पार्टी की विचारधारा के साथ बंधी नहीं रही और 2023 के चुनाव में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये कोई नहीं बता सकता। फिलहाल आपको विश्वेंद्र सिंह की जिंदगी का सियासी सफरनामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।